अब दांत अच्छे रखने के लिए और एक काम हमेशा करना है, दैनिक रूप से डेली प्रतिदिन भोजन करने के बाद दांतों को साफ करें। जेवर जंतर कैसे साफ करना, कुएं से साफ कर, मुंह में पानी भरना, ऐसे ऐसे साफ करके पानी को सूख देना या तो पी भी सकते हैं। हर भोजन के बाद, हर जीवन के बाद दांतों को साफ करना जरूरी है, क्योंकि भोजन के जो अन्य कण है दांत में अगर फंस गए तो फिर वहीं पे कलंक और दुर्गंध आएगी, फिर दांत खराब। इसलिए जीवन अंतर दांतों को साफ करना, साफ करना है तो उंगली से करना, ब्रश नहीं। ब्रश से क्या होगा, ब्रश जो है ना प्लास्टिक का है, ब्रशंस है, वो सुई की तरह से चुभते हैं दांत के ऊपर जो मसूड़े हैं, गम्स हैं, गम्स बहुत कमजोर हो जाते हैं ब्रश घिसने से। गम्स कमजोर होंगे तो दांत कमजोर होंगे, दांत कमजोर होंगे तो कुछ भी नहीं खा सकते। इसलिए ब्रश नहीं करना कभी, उंगली से दांत साफ भोजन अंतर जीवन में। और सकारी जब भी आप सुबह उठ गए, पानी पी लिया, लंकर संडा घर में गए, वापस आ गए, अभी आपको दांत साफ करना है तो दंत मंजन से करना, टूथपेस्ट में दंत मंजन। दंत मंजन माने लाल दंत मंजन, काला दंत मंजन, भीको गजदंती, डाबर, दंतनाथ में दंत मंजन को दांत के स्थान। और दंत मंजन से भी अच्छी चीज है कड़ू लिंबा की काढ़ी, टैक्स फ्री कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट नहीं है, कर्क रोग होता है मुंह का, माउथ कैंसर टूथपेस्ट से होता है, क्योंकि टूथपेस्ट में जो केमिकल है ना सोडियम लॉरियल सल्फेट, ये कैंसर करता है। इसलिए अमेरिका में दांतों के जो डॉक्टर हैं उनकी एक संस्था है, उसका नाम है अमेरिकन डेंटिस्ट एसोसिएशन। वो जाहिरात करते हैं टीवी पर और जाहिरात में बोलते हैं डोंट यूज टूथपेस्ट, माने टूथपेस्ट वापर मत करो, ऐसा जाहिरात आता है। तो मैं बहुत बार अमेरिका जाता हूँ तो मैं वहां के डॉक्टर को पूछता हूँ, आप बोलते हैं टूथपेस्ट मत करो फिर क्या करो, तो वो बोलते हैं ब्रश करो, पेस्ट मत लगा, खाली ब्रश से दांत साफ करो, ब्रश पे पेस्ट लगाओगे तो कैंसर हो गया। तो अमेरिका के ज्यादातर दांतों के डॉक्टर ब्रश से दांत साफ करते हैं। फिर मैं उनको कहता हूँ आपका ब्रश तो बेकार है क्योंकि प्लास्टिक का है, भारत में ब्रश तो बहुत अच्छा है करुण लिंबा जी का है क्योंकि वो भगवान का बनाया हुआ। तो वो कहते हैं कि हमारा देश का दुर्भाग्य है अमेरिका में करुण लिंबा झाड़ नहीं होता, भारत में भरपूर। तो अभी अमेरिका सरकार ने भारत से करुण लिंबा की काढ़ी खरीदना शुरू किया और अमेरिका में अभी काढ़ी बिकती है, $1 की दो काढ़ी मिलती है, माने ₹20 की एक काढ़ी अमेरिका फोकट में, जो यहाँ मिलती है ना गाँव गाँव में, जो फोकट में मिले ना तो हमें उसकी कीमत नहीं समझते, अमेरिका वालों को कीमत मानती है $1 में दो काढ़ी, माने ₹40 की दो काढ़ी, वो भी सूखी हुई 3 महीने पुरानी, हमको ताजा मिलती है रोज तोड़ने से। तो आपको बहुत नसीब वाले हैं, बहुत समृद्धशाली हैं कि आपके घर के सामने फ्रेश टूथपेस्ट या फ्रेश कड़ू लिंब की काढ़ी मिलती है, तो डेली उसी से दांत घिस। और कड़ू लिंब की काढ़ी नहीं मिले तो बाबुल की काढ़ी, ये सबसे अच्छी कड़ू लिंब के मुंतर बाबुल, और काढ़ी बिल्कुल ही नहीं मिले तो दंत मंजन, ठीक है। तो दांत बहुत अच्छे हैं, दांतों में क्या बीमारी आती है कई बार आपने सुना दांतों में कीट लग जाता, ये कीट उन्हीं को लगेगा जो टूथपेस्ट करने वाले, पेस्ट बंद कर दीजिए, कड़ू लिंब की काढ़ी करिए, दांत में कीट नहीं आएगा, और दंत मंजन करिए तो भी कीट नहीं आएगा, ठीक है। और दंत मंजन करने का सबसे अच्छा समय मालूम है कौन सा है, रात्रि को सोने से पूर्व। सकाळी जो हम दंत मंजन करते हैं ना ये अच्छा समय नहीं है, अच्छा समय है रात्रि को सोने से पूर्व दांत घिस के सोना, नियम ऐसा ही आप करने, ठीक है। अभी दांत के रोग सब खत्म हो जाएंगे। अब कोई बोलता है दांत में दर्द है तो क्या करना, दांत के दर्द की स्वयं पाक घर में जो औषध है
उसका नाम है लवण, लवण को घिसना पानी में पत्थर में, और घिसने के बाद जो उसका बनेगा ना चटनी जैसा, वो दांत पे लगा। या तो लवण का तेल आता है बाजार में, एक छोटी बाट शीशी में लेना, लवण का तेल काबूस में भर के दांत पे रख लेना, तुरंत दर्द ठीक हो जाए। और परमानेंट दांत का दर्द ठीक करना है तो उसका तो वही उपाय है, या तो दंत रंजन करिए, कड़ी मिर्ची खाइए। जिंदगी भर दांत का त्रास ना हो इसके लिए और एक उपाय है, ऊस चबा के खाना, ऊस का रस नहीं पीना, ऊस खाना। दांत अच्छा रखना है जीवन पर्यंत तो एक ऊस रोज खाना, एक ऊस रोज खाने से दांत तो अच्छा रहने वाला है और बहुत फायदा होने वाला है। जो लोग रोज एक ऊस खाएंगे जिंदगी में कावड़ नाम का रोग उनको कभी नहीं आ सकता। कावड़ समझते पीलिया जॉन्डिस कभी नहीं होगा। जो लोग रोज एक ऊस खाएंगे उनको कभी भी जिंदगी में नपुंसकता का रोग नहीं आ सकता। बहुत लोग ऐसे है ना जिनको विवाह हो गया, शादी हो गई, फिर भी बच्चे नहीं होते, 10 साल हो गया 15 साल हो गया, ये वही लोग हैं जो ऊस नहीं खाते। कोई भी व्यक्ति रोज एक ऊस खाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता उसको कि बच्चा ना हो। और ऊस खाने से एक लाभ होता है कि कैल्शियम भरपूर है, फॉस्फोरस भरपूर है, शरीर में रक्त की कमी नहीं आती ऊस खाने से, और ऊस खाने से पेट बहुत अच्छा रहता है, संडा खुल के आती है। ऊस खाने से शरीर ऐसा ही होता है जैसा ऊस, ऊस पता है कैसा कड़क एकदम, तो ऊस खाओ तो आप भी कड़क रहोगे। रोज एक ऊस खाओ और आपके यहां तो ऊस का भंडार है ना, तो रोज एक ऊस खाने से दांत अच्छे हैं, खून अच्छा रहेगा, कावड़ नहीं होगा, पेट खराब नहीं होगा, संडास खुल कर आएगी। ऊस खाओगे रोज तो आंखों के त्रास भी नहीं आते जल्दी, चश्मा नहीं लगेगा, ऊस खाओगे तो शरीर कड़क रहेगा, कड़क माने मजबूत रहेगा, मजबूत शरीर में जल्दी कोई रोग नहीं आता। ठीक है, अब कोई प्रश्न है तो पूछिए, दांत का और मुंह का। छोटे बच्चों के, छोटे बच्चों के एक बार दांत गिर जाते हैं फिर दोबारा से आते हैं। जो गिरे हुए दांत हैं वो इसलिए गिर जाते हैं कि उनकी जड़ कमजोर रहती है हमेशा, तो ज्यादा मजबूत जड़ के दुआ कैसे होते हैं, बड़े 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 दांत होते हैं, बड़े पहले गिरने के बाद आते हैं, पहले से खराब। अगर आप ये जान लो कि पहले से ज्यादा खराब दांत है, टेढ़े मेढ़े दांत है, हाँ ऐसे है, तो कैल्शियम बहुत कम है, कैल्शियम कम है, तो कैल्शियम की आपूर्ति करो तो फिर ठीक हो। कैल्शियम की कमी, तो कैल्शियम की पूर्ति करिए तो ठीक होंगे। और कोई प्रश्न, और एक मैं बोल तो आपकी तरफ, दांत हमेशा सफेद रहे, चमकते हुए रहे, तो आप क्या करना, लींबू होता है ना लींबू, उसका रस निकालने के बाद जो बच जाता है छिलका, लींबू के छिलके को उलटना, अंदर वाला हिस्सा बाहर निकालना, थोड़ा सेंधा मीठ मिला के उसको दांत पे घिसना, जीवन अंतर, तो जीवन पर्यंत दांत चमकते रहेंगे, एकदम सफेद दांत, कभी भी पीले नहीं होंगे।